आज की क्लास में पावर बीआई के अंदर हम विजुलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, विजुलाइजेशन मतलब जब डेटा इंपोर्ट आप कर लेते हैं, तो डेटा इंपोर्ट करने के बाद जो हम विजुलाइजेशन तैयार करते हैं, जो हमारे जिसको हम आम भाषा में चार्ट्स वगैरह कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो चार्ट्स वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियोज YouTube पे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ सर, कुछ पूछना है आपको सर? आशुतोष जी, शुरू करें सेशन। तो डेटा में अब मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले जो चार्ट आता है उसको बोलते हैं स्टैक बार चार्ट, जिसमें बार और कॉलम का दो कैटेगरीज है। तो पहले हम स्टैक है, हमारा स्टैक कॉलम चार्ट है, इसके बाद हमारे पर कर्सर बार चार्ट। तो तीनों को पहले देखते हैं। इससे पहले हम कर्सर बार चार्ट रख लेते हैं यहाँ पे। इसमें मान लीजिए कि मैंने अपना प्रोडक्ट और अपनी क्वांटिटी का रखा, तो ये इस तरह से टोटल है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट के साथ साथ मैं यहाँ इसके अंदर हम जो है स्टोर को भी रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मल्टीपल्स आपके सामने दिख गया कि यहाँ पे कोर्स के अंदर जितने भी स्टोर्स है वो स्टोर। ऐसे स्टोर हटा के मैं एक काम करता हूँ, ईयर कर देता हूँ, और ईयर में सम हो गया, ईयर को एक्सेस में डाल। सॉरी, मैं लेजेंड पे डाल रहा था इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहां देखिए, अगर ए वो एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब जो ए आपके सामने जो एक्सिस वगैरह दिख रहा है, जो ये जो वाला एक्सिस होता है वाई एक्सिस में कहलाता है। एक्स एक्सिस के जो अंदर होता है ए होता है, जिसके बिहाव से आपका जो है साइज बनता है। और फिर लेजेंड का होता है कि आप कितने इसके अलग अलग पार्ट करना चाहते हैं। जैसे देखिए 4 साल का डेटा है तो 4 अलग अलग कलर में, क्यों? क्योंकि हमने कर्सर कॉलम लिया। अब इसी में अगर मैंने इसको लेते हैं तो ये क्या करेगा? अब इसमें देखिए, ये आपका कर्सर बार चार्ट हो गया, ये आपका स्टैक बार चार्ट हो गया। जब स्टैक बार चार्ट करते हैं तो जितने आपके एक्सिस में जितने आपके प्रोडक्ट है उतना ही यहाँ पे बार बनेगा, लेकिन जितने उसके लेजेंड मतलब कि ईयर है वो उतने में उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, उतने में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। इसी में तीसरा आता है आपका 100% स्टैक चार्ट। उसमें क्या होता है कि इसे एक्सेस के अंदर जो साल का कंट्रीब्यूशन है वो देखिए इसने बांट दिया कि 26% है, और यहाँ पे बता दिया इसने कि ये 26% करके इसने बांट के बता दिया आपको कि किसका कितना परसेंट। तो तीन होते हैं, पहला आपका आता है जिसको कर्सर। इसमें सर वैल्यू डालनी हो हाँ, तो उसके लिए यहाँ फॉर्मेट कस्टर्ड में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट में आपको डेटा बार आता है, क्लस्टर्ड डेटा वाले। बार, डेटा लेवल, देखिए डेटा लेवल दिख रहा है। और उसी तरह से अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे स्टैक चेक करता हूँ तो स्टैक के अंदर भी आ गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 100% स्टैक बार चार्ट करता हूँ तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, कहाँ करना है? डेटा लेवल। ठीक है, परसेंटेज में कैसा है सर डेटा लेवल सर? क्योंकि मैंने जो यहाँ परसेंटेज वाला पार्ट देखा है 100% स्टैक बार चार्ट लिया। देखिए कॉलम चार्ट या बार चार्ट तीन तरह का होता है, कर्सर, स्टैक एंड 100% स्टैक। ये जो है आपका कर्सर है, तो कर्सर में क्या हुआ कि लेजेंड में जो फील्ड आपने रखा उस फील्ड के जितने भी आइटम है उतने यहाँ पे बार या कॉलम बनेगा। अब इसी में मान लीजिए हम कंपेयरिंग करने के लिए कॉलम चार्ट भी आपको साथ में ही लगा देते हैं, जिससे आप कंपेयर अच्छे से कर सकते हैं। दोनों सिमिलर है ना, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेम प्रोडक्ट को रखा एक्स के अंदर, उसके बाद हमने क्वांटिटी को वाई के अंदर, ठीक है, और लेजेंड पे हमने अपना ईयर रख दिया। ओके, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सिर्फ एंगल का फर्क है। अब इसको अगर मान लीजिए हम कर देते हैं
स्टैक कॉलम चार्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जितने भी आपके जो एक्सेस थे, वाई एक्सेस थे, मतलब जितने आपके प्रोडक्ट थे उतने ही यहां पे क्या बना, बार बना। ठीक है सर, और उतने ही कॉलम बने। समझ में आया? अब इसके ऊपर अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, यहां पे डेटा लेवल ऐड कर। अब इसी में तीसरा जो आता है वो आता 100%। अगर आपने 100% ले लिया, इसे यहां आप इसको सिलेक्ट करके मैंने 100% कर दिया, तो देखिए लाइन सबका सेम होगा, और उसके अंदर जो ईयर था ना, वो ईयर कितना किसका परसेंट है, वो परसेंटेज यहाँ। ठीक है, और सेम इसी तरह से आपके कॉलम में भी होता है कि अगर आपने कॉलम में 100% कर दिया, इसमें ईयर दिखाना हो तो क्या दिखाना, उस पर्टिकुलर जैसे कि तो ये एक्सेस है 26.4, नहीं कर्सर देते दिखे, नहीं ईयर नहीं दिखेगा आपको, इसमें यहाँ कर्सर दिखेगा। डेटा लेवल से डेटा का लेवल दिखता है आपका। ठीक है, वो इसके तरह नहीं है कि क्या बोलते हैं वैल्यू, यहाँ वैल्यू दिखेगा आपको, ऐसा नहीं है, वो क्या वो एक्सेल की तरह नहीं है कि सब कुछ दिखेगा। ठीक है ना, हाँ कर्सर ले जाएंगे सब कुछ दिखेगा। ठीक है, ओके, मैं इसमें भी आता हूं, पहले भी इसको देख पहले स्ट्रक्चर को समझिए ना, फिर देखता हूं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर दोनों का समझ में आ गया। तो तीन जो है आपका बार चार्ट है, तीन कॉलम चार्ट, तो तीनों का फर्क समझ में आ गया आपको? आ गया राकेश जी, राकेश है ना, राकेश जी, पंकज जी, राजेश जी, समझ में आ गया? यस सर। अब चलिए इनकी फॉर्मेटिंग के बारे में। अब दोनों के दोनों सिमिलर है तो फॉर्मेटिंग भी सिमिलर होगी, तो फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं। तो फॉर्मेट्स में सबसे पहले हमारा एक्सिस है, देखिए एक्स एक्सिस ए रहा, वाई एक्सिस ए रहा, और यहां भी सेम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो उसकी दोनों की फॉर्मेटिंग करनी है, शो करना है कि नहीं करना है, या यहां देखिए शो करना है कि नहीं करना है, करना है तो इसकी क्या फॉर्मेट हो सकती है वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो। फिर आता है लेजेंड, जो लेजेंड है जिसके पार्ट बन रहा है, तो लेजेंड्स की क्या टॉप लेफ्ट आएगा या टॉप सेंटर आएगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं, या टॉप राइट आएगा। अब इसको एक काम करता हूं, मैं इसमें ले जाता हूं, तो इसके अंदर भी आपका लेजेंड, लेजेंड समझ में आ रहा है क्या है, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये यहां पे कौन सा कलर किस ईयर का है वो इंडिकेशन करता है, और यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि उसका पोजीशन क्या हो। पोजीशन के साथ साथ यहां आप इसमें टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसका टाइटल जैसे यहां पर ईयर लिखा हुआ, तो टाइटल की ईयर के जगह पे क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, ऑफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब लेजेंड के बाद स्मॉल मल्टीपल मैंने नहीं डाला है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन तो नॉर्मल जो लाइनिंग होती है वो है आपकी। उसके बाद जूम इनसाइडर, जैसे कोई बड़ा चार्ट होता है तो आप यहां से जूम कर सकते हो, बहुत ज्यादा होता है ना तो आप इसको जूम कर सकते हो, छोटा है एक ही से दिख रहा है, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो जूम वगैरह का ऑप्शन आता है। उसके बाद कॉलम, अब जितने भी कॉलम्स है सबके कलर से कि अलग अलग कलर रखना चाहते हो तो अलग अलग कलर, 2023 का 20 का कलर क्या होगी इसका डिफॉल्ट कलर, से जगह पे आप अपने हिसाब का कलर चूज करना चाहते हो लेजेंड का तो कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग को कम और ज्यादा कर सकते हो, स्पेसिंग कम और ज्यादा हो, कैटेगरी को बढ़ा सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ से। उसके बाद है डेटा लेवल, जो ऊपर अभी जो दिख रहा है वो डेटा का जो लेवल है उसकी फॉर्मेटिंग आप तो अलग अलग फॉर्मेटिंग यहाँ से अलग अलग ईयर की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे 2020 की फॉर्मेटिंग करनी है
तो उसकी क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ऑल करना चाहो तो एक साथ सबको तो कर सकते, कस्टम लेबल। सकते हैं, देखिए इसकी डेटा लेवल की ये फॉर्मेटिंग आप खुद ट्राई करके देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ। ठीक है, प्लॉट एरिया के जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहां से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जनरल के इसके विजुअल के बाद आता है जनरल फॉर्मेटिंग। जनरल में जैसे कि टाइटल अपने हिसाब से हटाना चाहते हो, रखना चाहते हो, या टाइटल खुद का होना चाहिए हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो। टाइटल की जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। देन इफेक्ट इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर है, उसकी बाकी जो विजुअल बॉर्डर या शैडो वगैरह वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो सब में सेम होता है, लेकिन इसमें तीन चीजें एनालिटिक्स भी है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था जो एनालिटिक्स होती है वो आपकी जो विजुलाइजेशन है उसके साथ अपने हिसाब से डिफॉल्ट आ, ठीक है, विजुलाइजेशन अपने हिसाब से क्या होता है, डिफॉल्ट आ। या जैसे कि आप एक कंस्टेंस लाइन अगर हम ऐड कर देते हैं, एक कंस्टेंस लाइन ऐड हो जाएगी और लाइनिंग आप डिसाइड कर सकते हो क्या होनी चाहिए। वैसे मैं चाहता हूं 15,000 पे लाइनिंग डिसाइड होना चाहिए, या आ गया। या फिर आप यहाँ पे एफएक्स लगा सकते हैं, एफएक्स मतलब कि फंक्शन, जैसे काउंट ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे आप यहाँ पे सीट के अंदर में मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ और सम की जगह पे एवरेज लगा देता हूँ, मीडियन लगा देता हूँ। यहां से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाकी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ मैनुअली करना चाहते हो तो कर सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे 15,000 पे मुझे कंस्टेंस लाइन लगा, ये देखिए आप लाइनिंग कौन सी कलर की होनी चाहिए, यू कैन डिसाइड कलर। तो मैंने एक कलर ले लिया। ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए, 100% कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ऐसे करोगे तो पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे करोगे तो पूरा ऊपर आएगा। यहाँ पे देखिए डैश चाहिए, डॉट चाहिए, तो हमने बोला सॉलिड लाइन चाहिए या डॉटेड चाहिए या डैश चाहिए, कोई भी डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद फ्रंट में चाहिए, बैक में चाहिए, और इसकी डेटा लेवल ऐड करनी है ताकि दिखे कि ये 15,000 हो चुका है। एक बेंच मार्क होता है, उसी तरह से मिनिमम लाइन, मैक्सिमम लाइन, एवरेज लाइन, मीडियम लाइन, परसेंटाइल लाइन, एरर बार्स वगैरह आप उन्हें चार्ट के अंदर दे सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ कॉलम में दिया ऐसे ही आप बार में दे सकते हैं। ठीक है, और हर बार जो भी लगाएंगे उसका अलग अलग यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, वो इसके हिसाब से बिहेव करेगा। तो ये छह समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इसमें सर जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो, जैसे वैल्यू 18,000 से ऊपर जाती मैं वो भी बता रहा हूँ, वन बता रहा हूँ, डाउट कीजिए। ठीक है, अभी खत्म नहीं किया मैंने। तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कैलकुलम करते हैं, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट वाइज अपनी क्वांटिटी ले, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज मेरी क्वांटिटी आ गई, टोटल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और करनी है कि मुझे ईयर के हिसाब से अलग अलग चाहिए, तो यहाँ पे ईयर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये देखिए एक ही चार्ट के अंदर 4 साल का डेटा अलग अलग आ गया, इसको बोलते हैं स्मॉल मल्टीपल्स। समझे, इसी में अगर मैंने लेजेंड में मैंने एसओ कर दिया तो उतने लेजेंड बन जाएगा, कि अच्छे से दिख नहीं रहा है तो लेजेंड हटा दीजिए। समझे, स्मॉल मल्टीपल समझ में आ गया। और यहां पे जब आएंगे तो यहाँ पे स्मॉल मल्टीपल्स की कलर भी है कि कितना रो चाहिए। अभी फिलहाल 2 रो में है, लेकिन मान लीजिए कलर के रेट में ज्यादा नंबर्स हुए तो रो और कॉलम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 4 कॉलम्स में चाहिए, तो यहाँ पे 3 और 4 कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आप कॉलम इसको छोटा कर सकते हैं ना, और रो 2 है तो यहां से 1 रो कर दीजिए। समझे सर,
है, एक ही ईयरली यहाँ पे डेटा आपको आ गया, एक ही चार्ट है, सारी फॉर्मेटिंग सबकी फॉर्मेटिंग एक ही होती है। अब यहाँ पे अगर हम स्मॉल मल्टीपल्स में आते हैं, टाइटल वगैरह देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, कॉलम्स, कॉलम्स में आपका यहाँ पे डिफॉल्ट कलर जो है ये रहा, शो ऑल करेंगे तो ये शो ऑल एक्सेस अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आ रहा कॉलम्स, ठीक है। डेटा लेबल डालना चाहते हो डेटा लेबल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि कंडीशंस कंडीशनल कलर, जैसे यहाँ पे अगर मैं उसी प्रोडक्ट वाइज के लेके चलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट लिया और यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी दे दी, आ गया। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग में कलर आता है, कलर की बात करते हैं, तो कलर किसमें आता है, कॉलम्स में आता है, तो ये डिफॉल्ट दिख रहा है कलर, क्योंकि एक ही कलर है। अब मैं चाहता हूं कि अगर अभी तो सब एक ही है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे नेम भी डाल देता हूँ और यहां से प्रोडक्ट हटा देता हूँ, मोस्टली एक ही है इसमें। अब इसे मुझे क्या करना है, जो 40,000 से कम है ना उसको रेड कलर कर देना, ठीक है। तो यहाँ कॉलम्स पे आइए और यहाँ पे जो एफएक्स है इस एफएक्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे रूल्स पे क्लिक कीजिए, सम ऑफ क्वांटिटी सम। अब यहाँ पे इज ग्रेटर देन, हमने दिया 40,000 और नंबर यहाँ पे क्या करना है नंबर। अब यहाँ पे लेस देन है, इससे छोटा होना चाहिए, तो लेस देन एक बड़ा सा अमाउंट है, जो एक अमाउंट है तो डाल दीजिए यहाँ पे, ये भी नंबर होना चाहिए। कलर हमने यहाँ पे कर दिया कि कलर हमारा रेड होना चाहिए, देन ओके। उल्टा कर दिया ना सर, हमने बोला यहाँ पे रोल्स इज ग्रेटर देन 0 और यहां पे लेस देन में 40,000 और यहां कलर रेड होना चाहिए, समझे। और भी न्यू रूल्स करके, इसे पहले भी रूल्स बताए ना आपको मैंने, तो नए रूल्स करके कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका कंडीशनल कलर हो जाए, ठीक है सर। यस तो जहां भी आप कलरिंग कर रहे हैं और इसमें एफएक्स का बार आता है ना ऑप्शन, इसका मतलब है कि इस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जहां भी एफएक्स आया वहां पे समझिए कि एफएक्स पे क्लिक करके आप अपने कंडीशनल कलर दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, तो दिक्कत तो नहीं है। नमस्ते नमस्ते चलिए, इसी में हमारा एक लाइन चार्ट भी है। जैसे कि अगर हम लाइन चार्ट लेते हैं, तो लाइन चार्ट का यूज मोस्टली फ्लो देखने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मान लीजिए क्वांटिटी और मैंने अपना सेल्स ऑप्शन एसओ दे दिया, तो ये देखिए इस क्वांटिटी के क्या ऑप्शन से वो देखेगा, ठीक है ना। इसमें भी आपका लेजेंड्स है, जैसे मान लीजिए मैंने ईयर को यहाँ लेजेंड में रख दिया तो 4 साल का डेटा यहाँ पे आए, 4 अलग अलग लाइन के आए। या फिर मैं ईयर इसमें ना डाल के ईयर को मैं स्मॉल मल्टीपल में डाल देता हूँ, तो यहाँ स्मॉल मल्टीपल्स आए, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे क्वांटिटी भी चाहिए और एमआरपी भी चाहिए, एवरेज एमआरपी का एवरेज चाहिए, तो मैं एमआरपी एवरेज को मैं यहाँ नहीं डालूंगा, यहाँ सेकेंडरी वाइट से दिखता है ना उसमें डालू। तो सेकेंडरी वाइट से डालने का फायदा क्या हुआ बताइए, राकेश त्रिवेदी जी बताइए, सेकेंडरी आपका सेकेंडरी वाई एक्सेस डालने का फायदा क्या हो, दोनों मैट्रिक्स शो दे सकते ठीक क्या बोले,
दोनों मैट्रिक्स शो हो रहे हैं इसमें। दोनों मैट्रिक्स ऐसे भी शो होंगे। अगर मान लीजिए मैंने एमआरपी को यहाँ डाल दिया तो ये यहाँ भी शो होगा, हो रहा है शो सर। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे एमआरपी अभी सम है एमआरपी का, अब मैं एमआरपी का यहाँ पे एवरेज कर देता हूँ, तो एवरेज करते ही एमआरपी कितना नीचे चला गया, दिख रहा है आपको सर, चला गया नीचे। रीजन क्यों, क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी है वो 40,000-30,000 के आसपास है, और जो हमारा एमआरपी का जो एवरेज है, क्वांटिटी हमारा 40,000 है, तो एमआरपी के जो एवरेज है हमारा वो हमारा बिलो क्या है 245 है, तो नीचे चला जाएगा ना। देखिए जब इसको सेकेंडरी एक्सिस में रखेंगे तो क्या होगा कि एवरेज के लिए एक यहाँ अलग से एक्सिस बनेगा सर। तो ए एक्सिस जो हुआ 40,000 वाला 30,000 वाला क्वांटिटी के लिए हुआ, और ए एवरेज क्या हुआ एवरेज के लिए हुआ, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह का मुझे दिखाने के लिए कि भाई मेरा मेरा जो एवरेज घट बढ़ रहा है, मतलब कि मेरी जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेरा एमआरपी घट बढ़ रहा है, समझ रहे हैं सर। मतलब कि हमारी क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन नहीं है, बट हमारी एमआरपी के अंदर फ्लक्चुएशन है। तो दो चीज को कंपेयर करने के लिए और एक चीज बोले सर, इसमें और एक चीज अफेक्ट किया नहीं सर, प्राइमरी और सेकेंडरी दो ही होता है, थर्ड एक्सेस कहाँ घुसाएगा इसमें बताइए। मेरे बात को नहीं, हाँ अगर आपको और भी फील्ड ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे टारगेट ऐड करना है तो क्वांटिटी के बगल में टारगेट ऐड कर दीजिए, आगे टारगेट सर तो होगा। एक्सेस का मतलब हुआ जो यहाँ पे अकाउंटिंग आ रही है, दैट मीन्स इससे लिंक्ड होगा सेकेंडरी और प्राइमरी। ये हम एक्सेल में भी करते हैं, सुनील जी करते हैं एक्सेल में, यस सर। अब यहां पे एरिया चार्ट, तो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में कोई फर्क नहीं, ठीक है सर। बस फर्क है कि एरिया करते हैं इसके नीचे कलर्ड हो जा रहा है, और लाइन करते कलर्ड नहीं हो, ठीक है सर। और फिर यहां पे एक आता है स्टैक एरिया चार्ट, स्टैक एरिया चार्ट में मोस्टली एक ही होता है, फिर वो ये नहीं लेता है सेकेंडरी एक्सेस नहीं लेता है, तो ये एरिया स्टैक एरिया चार्ट बिल्कुल ही 100% स्टैक होता है, इसका यूज यहां पे भी खास नहीं है। तो आप लाइन चार्ट और एरिया चार्ट को ही देखें। अब इसमें क्या होता है कि इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मेजरली वही है जो बाकी फॉर्मेटिंग है, यहाँ लाइन वगैरह है, इसकी कलर वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह डॉट क्या देना है, कलर वगैरह कोई डिसाइड आप कर सकते हो, खास नहीं है, वही चीज है जो बाहर। इसमें भी आपके स्मॉल मल्टीपल्स हैं, जैसे मुझे ईयरली ये जो है इसमें ईयरली चाहिए, तो मैंने ईयर को उठा के स्मॉल मल्टीपल्स में रख देंगे, यहाँ नीचे है स्मॉल मल्टीपल्स, तो अलग साल का अलग अलग यहाँ पे आपको दिखा देगा, 4 साल का 4 लीटर यहाँ दिखा दिए, ठीक है। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल की क्लास में इससे आगे जो हमारा कॉम्बो चार्ट लाइन है, कॉम्बो चार्ट है, वाटरफॉल चार्ट है, स्टैक चार्ट है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए सर, ठीक है। विजुलाइजेशन पे प्रैक्टिस जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि मेन तो यही है ना सर, ठीक है।